और वो महाभारत लड़ाई केवल हमने सुनी पढ़ी वो महाभारत लड़ाई नहीं, ये महाभारत लड़ाई तो ये अब कलयुग के अंत में है सम्मुख। पांडव कौरव केवल ये नहीं कि पांच पांडव, पांडव और कौरव आज भी हम समाज में अनुभव कर सकते हैं। आप किसी को देखोगे तो आप यहां बैठे हो ना कुछ लोग, अगर बाकियों को भी निमंत्रण मिला होगा कुछ लोगों को, लेकिन उन लोगों ने क्या पसंद किया होगा कि मेरे को ये काम है, मेरे को अभी यहाँ ध्यान देना है, मुझे अभी ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। तो पांडव जिन्होंने भगवान को पहचाना और उसके कहे अनुसार अपने पूरे जीवन को चलाया वो पांडव हैं। पांडव केवल युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये केवल वो पात्र नहीं, वो पात्र हर एक के अंदर है। आज दुर्योधन भी हर एक जगह है, युधिष्ठिर भी हैं, है ना। वो व्यक्तित्व हैं, वो पात्र जो है वो गुणों और चरित्रों का एक 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 पात्र बनाए गए हैं, लेकिन उसके द्वारा समाज को क्या कोई मैसेज देने के लिए ये पात्र गढ़े गए ना। कि युधिष्ठिर क्या धर्म का साथ देने वाला युधिष्ठिर, और दुर्योधन है ना, कहते ना दुर्योधन को कहा कि आप पूरे हस्तिनापुर में देख के आओ कि कोई अच्छा व्यक्ति है, भला व्यक्ति, तो वो ढूंढता है चारों तरफ। दुर्योधन बोलता है एक भी आदमी भला नहीं है यहाँ पे। युधिष्ठिर को बोलते हैं पूरे हस्तिनापुर में कोई बुरा व्यक्ति लेकर आओ, देख के आओ। तो जब युधिष्ठिर जाते हैं तो क्या कहते हैं, यहां एक भी बुरा व्यक्ति नहीं है, मैं बहुत ढूंढा हस्तिनापुर में कि एक बुरा व्यक्ति मुझे मिले, एक भी बुरा व्यक्ति नहीं है। और दुर्योधन से एक अच्छा व्यक्ति खोजने को नहीं मिला, है ना। तो ये दृष्टिकोण है, ये जो भी पात्र गढ़े गए हैं ये दृष्टिकोण है। हम सब में दुर्योधन और युधिष्ठिर हो सकता है, है ना। तो पांडवों की बात ये अभी ये समय, इस नाजुक समय पे पांडव और कौरव की बात है। पांडव जो एक भगवान की मत पर चलने वाले, एक श्रीमत पर चलने वाले, विनाश काले प्रीत बुद्धि, और कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो सारा खेल बुद्धि, सबसे पहले किस पे वार होता है। किसी को कहते नहीं ये बहुत अच्छा व्यक्ति था लेकिन अभी इसकी बुद्धि खराब हो गई है, पहला वार होता है बुद्धि।